तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, और एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क का है जो आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर 2022 में। ये तब पॉसिबल होगा जब कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा इसी महीने में, तब, वरना आपका दिसंबर का पेपर मर्ज किया जाएगा जून 2023 में। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न आप लोगों को मेडिकल सोशल वर्क हो या यूजीसी नेट का पेपर हो, उसमें भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को लखनऊ चिकित्सा समाजकार्य में मिल सकता है। प्रश्न कहता है अभिकथन में कि समाजकार्य और मानवाधिकार, तथा और मानव और दोनों बात एक ही होता है, समाजकार्य और या तथा मानवाधिकार समान दार्शनिक बुनियादी पर आधारित है। जैसा कि ये दार्शनिक या दर्शन जैसे शब्दों से रिप्रेजेंट हो रहा है, सामाजिक दर्शन जीवन के मौलिक सिद्धांतों और धारणाओं की व्याख्या करता है। समझ गए होंगे, सामाजिक दर्शन किस चीज़ की, जीवन के मौलिक सिद्धांत और धारणाओं की व्याख्या करता है। दर्शन जो है सामाजिक संबंधों को सर्वोच्च आदर्श का एक निरूपण की प्रक्रिया संचालित करता है। समाजकार्य मानव जीवन को अधिक सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का संकल्प रखता है, इसीलिए समाजकार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक है। इसी के आधार पर जब हम इस बात को समझते हैं तो ये 110% सही है कि समाजकार्य और मानवाधिकार समान दार्शनिक बुनियाद पर आधारित है। याद रखिएगा, आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है समाजकार्य का जो दर्शन है वो ज्ञान और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए इसके आदर्शों और मूल्यों का सही ढंग से निरूपण करने की जो प्रक्रिया है वो दर्शन ही बताता है। तो समान दार्शनिक बुनियाद पर आधारित है तो ये करेक्ट होगा आपका। वहीं अगर हम बात करें दोनों के मूल्य एक समान है, बिल्कुल सत्य है, जैसे गरिमा और लोगों और समूहों समुदाय के प्रति आदर भाव, तो आप कह सकते हो कि अभिकथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। तो ऑप्शन ए देखिए, ए आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या करता है। जरा देखिएगा, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे मैं एक ट्रिक बताता हूं। यदि ऐसे प्रश्न आए तो जैसे आप अभिकथन पढ़ते हैं समाजकार्य और मानवाधिकार समान दार्शनिक बुनियादी पर आधारित है, तो जस्ट उसी के बाद एक शब्द लगाइए क्योंकि। क्योंकि अगर ये आधारित है तो क्योंकि, क्योंकि दोनों के मूल्य एक समान है इसलिए ये आधारित हैं। जैसे गरिमा और लोग और समूह समुदाय के प्रति आदर भाव, जब दोनों वाक, ये एक प्रकार से बात करें, जब दोनों वाक सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हों किसी चीज को, तो वहां पे आप समझ लीजिएगा कि यह व्याख्या होता है। ये ट्रिक है क्योंकि लगाकर, या तो आप ये समझे रहिए कि ये दोनों के मूल्य समान हैं, या तो आपको मालूम होना चाहिए कि समाजकारी के मूल्य गरिमा और लोगों को और समुदाय के प्रति आदर भाव, वहीं मानवाधिकार के समान में अगर हम बात करें तो वहां पर भी बात यही कही गई है, गरिमा और लोगों समूह और समुदाय के प्रति आदर भाव। तब भी आप कह सकते हो कि जो ये आर वाला ऑप्शन है, कारण वाला, ये ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। हालांकि यूजीसी के बच्चे ऐसे प्रश्नों से रूबरू है। आगे बात करेंगे सेकंड प्रश्न पर, कहीं कोई डाउट होगा तो आप साइड में लिख लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने कि अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है COS की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये आप लोगों में से सभी बच्चों को पता होगा। जरा मुझे बताइए आप सभी लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877 आपने सही जवाब दिया है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो आप एक नाम याद रख लीजिएगा, हैम्फ्री गुटरेन का नाम, जो अहम भूमिका निभाया है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में कहीं कहीं इसको कहा जाता है एक प्रकार से कि इसकी स्थापना में हैम्फ्री गुटरेन की एक अहम भूमिका है ना, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, समाजकारी के जनक किसे कहा जाता है, समाजकारी के जनक किसे कहा जाता है, मेरा सवाल है आप सबसे, बताएं। जेम्स,
एडम्स को? बोलो, आवाज क्लियर है भाई? क्या बात हुई? देखिए, यदि आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं, यदि आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा कॉपरेट करेंगे, ठीक है? मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ भाई। दूसरी बात यहाँ पे कि अगर आप लोग जरा सा भी यहाँ पे अगर एक्टिव होने की प्रक्रिया नहीं किया, यानी एक्टिव नहीं हुए, तो मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, है ना? तो इसलिए एक्टिव रहिए, मैं आप लेके मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें। बोलने में कुछ जाता नहीं है, सिर्फ मुँह की हवा जाती है ना? तो आप मुझे मैरी रिचमंड होगा क्या सर? मैरी रिचमंड नहीं, ये मैरी रिचमंड की भूमिका सर सोशल केस वर्क में आता है, सोशल केस वर्क में आता है, सोशल केस वर्क में आता है मैरी रिचमंड की भूमिका। यहाँ अगर मैं अगर बात करता हूँ तो जेम्स एडम्स इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। जेम्स एडम्स ये समाजकारी के जनक के रूप में जाने गए हैं, और भारतीय समाजकारी के जनक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो आर के मुखर्जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर के मुखर्जी आप नोट कर लीजिएगा। ये तीन फैक्ट हैं आप सबके लिए, ये तीनों के तीनों अहम भूमिका। अभी मैंने कल केस ग्रुप वर्क के बारे में पढ़ाया था, तो ग्रुप वर्क में आप लोग को नाम मैंने बताया था ग्रेस कोयले महोदय का, तो इसलिए आप ग्रेस कोयले का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है? आगे कम्युनिटी वर्क पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा आप लोगों को किसकी भूमिका आती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे, अगले सवाल पे बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, इसलिए कॉपी पेन साथ में अवश्य रखिएगा। एक है विधवा विवाह, ये आपको मैं ये समाज सुधारक, ये समाज सुधार है, तो एक विधवा विवाह समाज सुधार आया था, एक सर्वोदय था, एक बाल विवाह था, एक सती प्रथा थी। उसके अपोजिट में एक सूची दी गई है जहाँ पे समाज सुधारक के नाम लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है कि समाज सुधार वो कौन सा है जिसमें समाज सुधारक की अहम भूमिका मानी गई है। तो अगर मैं आप लोगों से विधवा विवाह के बारे में बात करूं तो किसका नाम आप लगाना उचित समझेंगे? क्या ईश्वरचंद विद्यासागर इज द राइट आंसर होना चाहिए? विधवा विवाह में नहीं 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 कहाँ पहुंच पहुंच हाँ हाँ राजा राम मोहन राय जी का जो नाम आता है सती प्रथा में आता है सर, यहाँ पर आप इनको लगाइए, ठीक है? और विधवा विवाह में आप ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम लगाइए, सर्वोदय में आप एम के गांधी का नाम लगाइए, बचा बाल विवाह। क्या बाल विवाह के सी सेन का नाम आएगा कि दयानंद सरस्वती का नाम आएगा बाल विवाह में? केशव चंद्र सेन इज द राइट आंसर, यहाँ पे सही जवाब की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो जरा एक बार ऑप्शन को मैच करिए, फिर मैं फैक्ट इसके परिपेक्ष में कुछ जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। क्या पहले का चौथा सही, पहले का तीसरा सही जा रहा है कोई? वाह, ये तो गलत हो गया। पहले का ये होगा ना सर? एक मिनट, पहला ही आपका यहाँ पे विधवा विवाह में आपने यहाँ पे जो चुनाव किया है, विधवा विवाह दयानंद सरस्वती को लगाइए। विधवा विवाह किसको लगाइए? दयानंद सरस्वती को लगाइए, और सर्वोदय आप एम के गांधी को लगाइए। बाल विवाह में अगर हम बात करें तो बाल विवाह के सिंह का नाम लगाया था आपने, तो इनको काट के एक मिनट, विधवा विवाह दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोदय एम के गांधी हो जाएंगे। बाल विवाह किसको सही ले जाएंगे आप? ईश्वरचंद विद्यासागर को ले जाइए, सती प्रथा आप राजा राम मोहन राय को ले जाइए। ये आपका या आपका राइट एक्चुअली क्या है ना, विधवा विवाह में थोड़ी सी भूमिका ईश्वरचंद विद्यासागर की है ना? तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के आधार पे भी सही तरीके से आप जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही मिलेगा आपका। विधवा विवाह आपका दयानंद सरस्वती का नाम आएगा। दयानंद सरस्वती का नाम आप सभी लोगों को पता होगा, आर्य समाज की स्थापना किया था इन्होंने, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में। फोर्थ वाले ऑप्शन में तो सेकंड ही दिखा रहा है ना, ये देखो सी का जो है सेकंड दिखाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही सही जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में सेकंड आ रहा है, तो पहले का चौथा कैसे हो सकता है विधवा विवाह का एम के गांधी में? कैसे गलत है? सब आपका पहला गलत है, देखिए यहाँ पे दूसरा गलत है आपका, ये तीसरा वाला सही है आपका, ये सी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है? ये सी वाला आपका सही है, ठीक है भाई? यहाँ पे ये भी तो सोच लो कि विधवा विवाह भी तो आप अगले भी तो ऑप्शन को देखो, केवल एक ही ऑप्शन को मत देखो। मैं बात कर रहा था किसके बारे में बात कर रहा था, दयानंद सरस्वती के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है
कि इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना की थी। इन्होंने आदियों की आलोचना की थी। एक इनमें इम्पोर्टेंट शब्द यह है कि पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, और वह कॉलेज की स्थापना हुई थी 1889। तो ये फैक्ट है जी, बिल्कुल। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, बिल्कुल। ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाए। ये पाश्चात्य शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं, साथ में जोड़िएगा, भी साथ में एक ब्रैकेट में जोड़ लीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहा हूं। इनकी किताब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश, और यही किताब आप याद रखिए। बाकी हालांकि बहुत सारी किताबें हैं, पूछा जा सकता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किताब है। अच्छा, आपको बता दूं, बहुत सारे, हालांकि 19वीं शताब्दी के दौरान पे भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ था जिसमें से पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक और राजनैतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया गया था। तो हिंदू सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज की भूमिका आई राजा राम मोहन राय की सन 1828 में। और आप याद रखिएगा कि यहाँ पे भारत में जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिला था वो 510 ईस्वी में मिला था, एरड़ अभिलेख था। वो कौन सा अभिलेख था? एरड़ अभिलेख। वेरी गुड। अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के ही फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो इसमें भी भूमिका आती है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे बंद करवाने का अनुरोध किया था। क्या किया था? बंद करवाने का अनुरोध किया था। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अस्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सर्वोदय महात्मा गांधी, देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, तो क्या नाम बताना उचित समझेंगे सर्वोदय में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो? यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने सर्वोदय समाज के बारे में, एक कल्पना का समाज था जिसमें इन्होंने कहा कि भारतीय ग्राम व्यवस्था के बारे में। हालांकि विनोबा जी का कहना था, विनोबा भावे जी का कहना था कि सर्वोदय का जो अर्थ होता है सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति से, परंतु सर्वोदय के व्यवहारिक स्वरूप को हम बहुत हद तक विनोबा जी के भूदान आंदोलन से देख सकते हैं, और वही आपका करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ जो सर्वोदय का अर्थ महात्मा गांधी जी ने बताया वो सभी का विकास बताया, उदय बताया। तो सर्वोदय भारत का पुराना आदर्श है, है ना? तो सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति के बारे में जिक्र करने के परिप्रेक्ष्य से यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो शब्द आता है वही करेक्ट माना जाता है, है ना? वही आपका करेक्ट माना जाता है। तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सर्वोदय के विकास को लेकर या उसको अग्रसर करने में एक अहम भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो वो महात्मा गांधी जी ने निभाया है। किसने निभाया है? महात्मा गांधी जी ने, सर्वोदय के बारे में। तो याद रखिएगा सर्वोदय शब्द जो है महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, है ना? इन्होंने ही एक रश्किन, एक किताब थी रश्किन की, एक पुस्तक थी, वह थी अनटू द लास्ट का गांधी जी के द्वारा गुजराती में अनुदित करते हुए एक पुस्तक लिखी गई। और अनटू द लास्ट का जो अर्थ बना था वो बना था इस अंत वाले को भी। तो सर्वोदय में बताया गया कि सबका उदय और सबका विकास, यही सत्य था यहाँ पे सर्वोदय का दृष्टिकोण से अगर हम बात करें। सार्वभौमिक उत्थान की बात करते थे सर्वोदय में, जॉन रस्किन एक विद्वान थे, उन्हीं की किताब थी अनटू द लास्ट, से प्रेरित हुए थे महात्मा गांधी जी, ऐसे शब्दों की बात किया था। तो ये आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, फिर यहाँ पे आपका सही जवाब ये मान लिया जाएगा। बाल विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, आपने इनके बारे में भी सुना होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। हालांकि इन्होंने अगर हम बात करें, इनका सबसे बड़ा योगदान जो था वो था स्त्री शिक्षा को लेकर,
आप परिचित होंगे स्त्री शिक्षा के बारे में भी जानते होंगे, है ना। स्त्री शिक्षा पे इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया और उन्हीं के प्रयास सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून भी पारित हुआ। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, और एक सती प्रथा के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, तो इसलिए ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन भी है, सन 1897 में स्थापित हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, मानवतावादी और समाजकारी बनाना। क्या? मानवतावादी और समाजकार्य करना, और ये था रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण मिशन में। अब इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एक थी, सन 1875 में हुआ स्थापित। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में अगर हम बात करें तो मैडम ब्लॉट्सकी और एक नाम आता है हेनरी ऑलकॉट, और इन्हीं के साथ साथ एक नाम आता है एनी बेसेंट, हाँ कर्नल हेनरी ऑलकॉट, करेक्ट बता रहे हैं आप, और उन्हीं का पूरा नाम है। और यहाँ पे जो है एनी बेसेंट की भी भूमिका है, क्योंकि उन्हें 1907 में एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय को लेकर पूछा जाता है प्रश्न, हालांकि ये UPSC का प्रश्न है। अडयार मद्रास में कब? 1882 में, 1882 में, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज में अगर हम बात करें तो 1867 में आप जानते हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है, महादेव गोविंद रनाडे जी का भी नाम आता है। तो प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना यहाँ पर बताया गया था इसके बारे में। तो रनाडे ने को पश्चिम भारत की संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कहाँ का? पश्चिमी भारत का, याद रखिएगा। किसको? रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को। तो याद रखिएगा, एक आस्तिक की धर्म में आस्था जी, प्रार्थना समाज में मैम रनाडे जी को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया, और इसकी स्थापना सन 1867 में किया गया था, 1867 में किया गया था। वहीं बात करें तत्वबोधनी सभा है, सन 1839 में आई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवबंद आंदोलन है, 1867 में आया मोहम्मद कासिम नैनेतवी के द्वारा। रशीद अहमद गंगोही एक वो है समाज सुधारक हैं, इनकी भी भूमिका देवबंद आंदोलन में आई थी, जिसमें कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार किया था। सत्य शोधक समाज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जानते हैं ज्योतिबा फूले का, और इसका उद्देश्य केवल एक ही बात याद रखिएगा, दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना। इनमें एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था गुलामगिरी। तो एक किताब गुलामगिरी याद रखिएगा, एक किताब याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, दोनों किताब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है। अलीगढ़ आंदोलन आपको मालूम होगा, सन 1875 में सर सैयद अहमद खान की एक अहम भूमिका रही, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सन 1864 में की गई थी सर सैयद अहमद खान। द सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारत सेवा समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, सन 1905 में है जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, मैं स्पष्ट नहीं सुन पाया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्नों हैं, ये प्रश्नों के संबंध में जो फैक्ट बताया है आप लोगों को, ये ध्यान रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सब के लिए। बात करते हैं, मैंने आप लोगों को समाजकार्य के लक्ष्य से रूबरू करवा चुका हूँ, आप लोगों से बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। बताइए जरा समाजकार्य का लक्ष्य क्या है, इसमें से क्या सामाजिक तनाव को घटाना है, सभी को सेवा प्रदान करना है, या सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, या अभिजात का मतलब होता है कुलीन वर्ग की सेवा करना है, बताओ क्या करना उचित समझेंगे यहाँ पे समाज कार्य का लक्ष्य में? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पे जो समाज कार्य का लक्ष्य बताया जा रहा है वह आपका, हालांकि यहाँ पे बात करें सामाजिक तनाव को घटाना भी होता है, सभी के सेवा प्रदान करना भी हो सकता है, कुलीन वर्ग की सेवा करना भी हो सकता है,
जब हमें कोई एक 250 या 300 शब्दों में लिखना होता है तब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, परंतु जब फैक्ट के रूप में समाज कार्य लक्ष्य को लेकर आया जाता है तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जैसे अगर मैं कहूँ 99% आपका जो ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, एज अ सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये सबसे सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, कह रहा है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या समूह को सेवा प्रदान करने को क्या कहते हैं, क्या व्यावसायिक समाज कार्य कहेंगे या सामाजिक विकास सेवा कहेंगे या समाज सेवा कहेंगे या समाज सुधार कहेंगे, क्या कहना उचित समझेंगे, क्वेश्चन बताइए। समाज सेवा आप बता रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड। जब किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने मन से आप किसी अन्य व्यक्ति का समूह को सेवा प्रदान करने को हम एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, वह शब्द है समाज सेवा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। समाज कार्य में क्षेत्र कार्य का उद्देश्य क्या बना सकता है, समाज कार्य का जो क्षेत्र कार्य है जो फील्ड है वो कौन कौन सा बन सकता है, आपको मैं बता दूं, व्यावसायिक कौशलों का विकास करना हो सकता है, यस या नो, यस। कक्षा या क्लास में प्राप्त शिक्षा का क्षेत्र अभ्यास के साथ एकीकरण करना, ये भी आपका समाज कार्य में क्षेत्र कार्य का उद्देश्य बन सकता है। सेवा की मानसिकता का विकास करना, देखो सेवा की मानसिकता का विकास करना ये बेसिकली क्षेत्र का कोई उद्देश्य ही नहीं होता, और करियर के लिए झुकाव का विकास करना, करियर के लेकर भी बात ना करना, ये दो ऐसे शब्द हैं या दो ऐसे ऑप्शन है जो प्रस्तुत नहीं करते हैं समाज कार्य में क्षेत्र कार्य के उद्देश्य को। इसलिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें, पहला और दूसरा जो है वो समाज कार्य में क्षेत्र कार्य के उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, कथन आ गया आपके सामने, या प्रश्न का मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए आप लोग इसे स्वयं करें। लिंग संवेदनशील व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए विशिष्ट मुद्दों को बेहतर समझ होती है, क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, आप स्क्रीन अपनी भी जूम कर सकते हैं, अगर हम जूम करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे, चलो कर भी दिया, आप लोग भी अपने फ़ोन में भी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, पता है ना आप लोगों को, अगर जिनको पता नहीं है वो कर सकते हैं। आगे बढ़िए, जरा बताइए जरा मुझे कि लिंग जो है संवेदनशील व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के लिंग विशिष्ट मुद्दों को बेहतर समझ होती है, क्या यस या नो, भाई नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो लिंग संवेदनशील व्यवसाय समाज कार्यकर्ता, यहाँ पर बात दूसरा है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर की बात हो रही है, क्या प्रोफेशनल सोशल वर्कर के लिंग विशिष्ट मुद्दों को बेहतर समझ होती है लिंग संवेदनशील को लेकर, समझ नहीं होगी तो वो कैसे प्रोफेशनल सोशल वर्कर कहलाएगा, होती बिल्कुल होती है, इसलिए आपका ये करेक्ट जवाब है, यस। बात करें कारण को लेकर, पहले कारण को हम देखेंगे कि लिंग एक सामाजिक विन्यास है, सामाजिक विन्यास है जो पुरुषों और महिलाओं के समान, सॉरी पुरुषों और महिलाओं के समाज में उनके साथ के संदर्भ में, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, किसके पुरुषों और महिलाओं के समाज में फर्क करता है कि जिसकी समझ व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता की होती है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और यही शब्द आपको यहाँ पर बता भी रहा था, तो जो लिंग संवेदनशीलता की बात कर रहा है और ये लिंग एक सामाजिक विन्यास है जहाँ प्रस्तुत होता है एक मेल और एक फीमेल के समाज में उसके स्थान को फर्क करता है, उसकी समझ व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता के पास होती है, इसलिए आपका ये भी करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ए और आर दोनों सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी आंदोलन नहीं है, पारिस्थितिकीय आंदोलन नहीं है, और इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं, भूदान आंदोलन से, हाँ भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, ये सर पारिस्थितिकी से नहीं है, बिल्कुल सामाजिक आंदोलन है, बिल्कुल करेक्ट, मैं यही पूछना चाहता था आपसे, यहाँ पे अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय जो आंदोलन है यहाँ पर, ये आपका अगर हम बात करें पानी पंचायत, चिपको आंदोलन और प्लक एंड प्लांट, ठीक है ये आपका, लेकिन भूदान आंदोलन जो बेसिकली समाज को रिप्रेजेंट करने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पे मैंने कहा सभी को विकास की बात कर रहा था, सभी को उदय की बात कर रहा था, वही था विनोबा भावे के परिप्रेक्ष्य में,
तो ये था भूदान आंदोलन। अब भूदान आंदोलन चलाया कब गया था मालूम है? सन 1951 में आरंभ किया गया था। ये या स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि भूदान आंदोलन जो शुरुआत हुआ सन 1951 कहां पर? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश वो डिवाइड हो गया है, अब कहां पर बन गया वो? तेलंगाना। अब याद रखिएगा 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे भेंट की थी और इसी के परिपेक्ष में आचार्य विनोबा भावे जी ने यह आंदोलन चलाया गया था या चलाए थे। पूछा जाता है कभी कभी कि भूदान आंदोलन के जनक कौन है, पूछा जाता है कभी कभी, आचार्य विनोबा भावे जी हैं, आचार्य विनोबा भावे जी हैं। चिपको आंदोलन कब चलाया गया आप जानते होंगे? चिपको आंदोलन पहली लड़ाई सन 1973 की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिले में, है ना, पता होना चाहिए आप लोगों को। और आपको मैं बता दूं यहां पर अगर चिपको आंदोलन का मतलब यह कि वृक्षों से चिपक कर वो वृक्ष की रक्षा करने को लेकर बात कर रहा था। तो गांधी जी की विचारधारा के सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने फिर तत्वाकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इन पेड़ों को ना काटने और जंगल की सुरक्षा करने की अपील भी की थी और उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया गया था और परिणाम स्वरूप इन पेड़ों को काटने के लिए 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। तो ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। एक हमारे सामने यहाँ पर और है इंपॉर्टेंट, पानी पंचायत आंदोलन कब चलाया गया बताएं। आप लोग भी थोड़ा बहुत कुछ चीजें हमें शेयर किया करें, अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को भी। चलिए ये बेसिकली किसान आंदोलन का है पानी पंचायत, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पानी पंचायत एक आंदोलन को दिया गया नाम था और जहाँ जिसे अगर हम बात करें पहली बार यह एक नाम आता है बिलास राव सालुके। क्या नाम आता है? बिलास राव सालुके, ये नाम है जिनके द्वारा अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में, कहां पे? महाराष्ट्र में। कब? 1974 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, बहुत कम बच्चों को पानी पंचायत आंदोलन के बारे में भी पता है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। हालांकि आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त पुरंदर तालुका के नए गांव के किसानों को प्रेरित करने के लिए था ये पानी पंचायत के सिद्धांतों में निष्पक्षता मांग, मैनेजमेंट, भूमिहीन अधिकार और सामुदायिक भागीदारी और संसाधनों की स्थिरता शामिल की गई थी। बिलासराव सालुके उन्होंने यह व्यापक रूप से पानी बाबा के नाम से जाने गए, बिलासराव सालुके को पानी बाबा के नाम से जाने जाते थे, याद रखिएगा आप सभी लोग इनके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट। इन्हीं के साथ साथ एक और विद्वान का नाम आता है अन्ना हजारे को कभी कभी पूछ लेता है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने और आधिकारिक भ्रष्टाचार की जांच और दंडित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत सरकार पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून लोकपाल विधेयक 2011 यानी 2011 को लागू करने के लिए दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया था, है कि नहीं? ये आपको तो मालूम होना चाहिए इसके बारे में। एक नाम और आता है जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उनका नाम था बाबा आमटे। सामाजिक कार्यकर्ता ये हो सकते हैं आप लोगों के पेपर में, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए अपने काम के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि बाबा आमटे को रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के आधुनिक गांधी के रूप में जाने जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है इस समय तो वो है बाबा आमटे। कौन है वो? बाबा आमटे। हाँ,
तो याद रखिएगा आप सभी लोग इनके बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था आप सबके लिए। एक और हमारे सामने नाम आता है पलक एंड प्लांट। आंदोलन कब चलाया गया था मालूम है आप लोगों को इसके बारे में? पहली बार सुन रहा हूँ सर। ये पहली बार सुना है। अच्छा, ये आपको बता दो, भारत के पर्यावरण आंदोलन का ही रिप्रेजेंट करता है ये। एक प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो यहाँ आंदोलन जो है वृक्षों को रक्षा करने के परिपेक्ष में था, वृक्षों की रक्षा करने के परिपेक्ष में था। और भारत में पर्यावरण आंदोलन की यहाँ पे अगर हम बात करें भूमिका को लेकर, तो ये राजस्थान में 260 साल पहले चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। जब उससे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आदेश पर पेड़ों को गिरने से बचाने का प्रयास किया गया था, गिरने से बचाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, गिरने से बचाने राजस्थान से क्या प्लक एंड प्लांट का? जी जी जी, प्लक एंड प्लांट, प्लांट मोमेंट है ये, प्लक एंड प्लांट है ना। सॉरी, यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए 1887 1887 प्लक एंड, सॉरी यार 1987 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1987 में आप इनका नाम लगाइए यहाँ पर, 1987 में ये चलाया गया था। और ये सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाया। इन्होंने अगर हम बात करें तो किसकी भूमिका यहाँ पे देखने को मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा के मिली थी यहाँ पर भूमिका इस आंदोलन में। ठीक है, किटको, किटको एक नाम है किटको। ठीक है, तो पलक और प्लांट में एक अहिंसक विरोध शुरू हुआ, जहाँ पे लोगों ने नीलगिरी के पौधों को, यहाँ पर आप नोट करें एक फैक्ट के रूप में, तो आप नोट कर लीजिए नीलगिरी, नीलगिरी के पौधों पौधों को बांध दिया और उन पौधों, उन पेड़ों के पौधों लगाए जो लोगों के लिए उपयोगी थे, जो लोगों के लिए उपयोगी थे। ये आप राजस्थान ना करके कर्नाटका करें, करेक्ट जवाब रहेगा, राजस्थान ना करके कर्नाटका करें। कर्नाटका किससे संबंधित है? कर्नाटका से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटका से संबंधित है। हाँ, तो याद, हाँ याद रहेगा अब ये। बिल्कुल बिल्कुल, प्लक एंड प्लांट की बात कर रहा हूँ। सन 1987 में स्थापित किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा की एक भूमिका रही, कर्नाटका में इसको जो है स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दिया, स्पष्ट है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले। जो प्रश्न थोड़ा सा टफ लगेंगे उस पर थोड़ा सा व्याख्या हम लोग कर देंगे। आगे बात करें, सूची वन एक तरफ है, एक तरफ सूची टू है। कह रहा है कि एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ आंदोलन चलाने वाले आर्य समाज, अभी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को आर्य समाज के बारे में, जिसकी स्थापना 1875 में हुई, स्वामी विवेकानंद जी का नाम कहीं, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा 1875 में। ब्रह्म समाज आपको मैंने भी बताया है 1828 कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय का नाम कहीं पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राय का। बात करें सत्यशोधक समाज के बारे में, ज्योतिबा फूले जी की एक अहम भूमिका मानी जाती है, ज्योतिबा फूले महोदय। और अगर हम बात करें तो इन्होंने दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण की बात किया है। सन 1873 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र में शुरू किया गया, और आपका ये पहला पॉइंट पर मैच कर जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया था, एक बताया था मैडम ब्लॉट्स्की, रूसी की महिला थी, और एक कर्नल हेनरी ऑलकॉट अमेरिकी सैनिक थी, और इन दोनों का नाम तो नहीं है, तो आपको बता दूं सन 1907 में एनी बेसेंट इनकी अध्यक्षता के रूप में नियुक्ति की गई थी, इसलिए यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट जी का नाम आएगा डी का, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही गया आप एक बार मैच करके बता दीजिए मुझे। बी करेक्ट मान लिया जाए, वेरी गुड, टू वाला ऑप्शन। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था, मैंने सबके बारे में बता दिया। अच्छा, इसकी स्थापना अगर हम बात करें 1875 में हुई थी, और इसकी स्थापना 1873 में हुई थी ना, 1873 में हुई थी, 1873 में हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हालांकि मैच मैच किया गया है, आप देख सकते हैं,
ठीक है, अन्ना हजारे के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी बहुत इनके बारे में इंपॉर्टेंस जानकारी। और ये रालेगंज सिद्धि से मैच करते हैं। बाबा आमटे जो है आनंदवन से रिलेट करते हैं, मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और चंडी प्रसाद भट्ट की बात अगर हम करें तो ये चिपको आंदोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन भी आपका मैच किया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये सही है आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कहते हैं जो गतिविधियां सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन रूप से असंतुष्ट होती हैं और अमूल परिवर्तन के लिए लिए का करती हैं तो वह क्या कहलाती हैं? तो क्या वह सुधार आंदोलन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन होगा, कि पुनरुत्थानवादी होगा, या विरोध? प्रश्न को फिर से समझो, प्रश्न नहीं समझेंगे तो उत्तर नहीं कर पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि जो गतिविधियां सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन रूप से, है ना, सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन मतलब होता है डीप में जाकर, वहां से असंतुष्ट होती हैं और फिर अमूल परिवर्तन, एक प्रकार से रेडिकल चेंजेस के लिए करती है, तो वह बन जाती है क्रांतिकारी आंदोलन, ना कि सुधार आंदोलन। वह आपका क्या बन जाएगी? क्रांतिकारी आंदोलन बन जाएगी। क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहते हैं, एक सिंपल परिभाषा के रूप में कोई बताना चाहेगा मुझे? वो परिवर्तन जो मतलब एकदम से बदलाव लाने की सोसाइटी में, मतलब जो बदलाव जी जी सर, जी जो थोड़ा सा वॉलेटिक हो। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग लगभग सभी के शब्द उसी की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन है जहाँ एक विशिष्ट प्रकार, क्या, एक विशिष्ट प्रकार, बात को समझिए, विशिष्ट प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है जो एक क्रांति को अंजाम देने के लिए समर्पित होता है। जो एक क्रांति को अंजाम देने के लिए समर्पित होता है, तो एक विद्वान का नाम सुना होगा, चार्ल्स टिल्ली। टिल्ली ने इसी सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया है कि जो राज्य के नियंत्रण के लिए विशेष प्रतिस्पर्धी दावों को आगे बढ़ाता हो, दावों को आगे बढ़ाता हो, मतलब एक प्रकार से क्लेम को आगे बढ़ाता हो। तो हालांकि आप सबको मालूम होगा 1857 से लेकर 1942 तक के जो माना जाता है एक्टिविटी, वो बेसिकली क्रांतिकारी आंदोलन ही था, वो क्रांतिकारी आंदोलन ही था। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, तो आप नाम बताइएगा, वासुदेव बलवंत फाड़के, वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है, महाराष्ट्र के थे ये, रायगढ़ के, ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के पहले क्रांतिकारी थे। तो बाद में 1857 वगैरह में आई है ना, स्वतंत्र संग्राम की जो विफलता हुआ, तो फिर आज़ादी के लिए, महासमर के लिए पहली चिंगारी लगाई गई, तो ये अलग की बातें थी, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो किसी विशेष संघर्ष, मतलब किसी, आप ये कह लिए कि विशेष प्रतिस्पर्धा दावों को आगे बढ़ाने की बात करता है, विशिष्ट प्रकार का ये सामाजिक आंदोलन होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सुधार आंदोलन के बारे में। सुधार आंदोलन किसे कहते हैं? सुधार आंदोलन एक प्रकार से बात करें, यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता है और यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था और इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञान का उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। तो यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत बना। तो बेसिकली अगर हम आप लोगों से बात करें सुधार आंदोलन की, अगर आपसे कभी परिभाषा पूछा जाए, तो आप सीधा सीधा सा जवाब दें कि सामाजिक आंदोलन के संबंध में जो सुधार आंदोलन है, जिसका लक्ष्य समाज के किसी क्षेत्र को अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तित करके उसे बेहतर बनाना होता है, उसे बेहतर बनाना होता है, उसको बोलते हैं सुधार आंदोलन। प्रश्न आपसे नहीं करता, प्रश्न आपसे बोला था कि सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन रूप से असंतुष्ट हुई है और अमूल परिवर्तन हुआ है, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन था। यहां तो प्रश्न में ये ऐसा कुछ है ही नहीं कि लक्ष्य समाज के किसी क्षेत्र को अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा हो, उसको बेहतर बनाने की बात हो रही हो, तो ऐसा कुछ प्रश्न में है नहीं। तो क्यों सुधार आंदोलन लगाओगे आप, गलत हो जाएगा वहां पे। तो हाँ, अगर ऐसे तरीके की बात होगी कि लक्ष्य समाज की ओर किसी क्षेत्र को धीरे धीरे परिवर्तित कर रही है, तो आप लगाइए। बात करते हैं
पुनरुत्थानवादी आंदोलन। अब ये क्या होता है पुनरुत्थानवादी आंदोलन? देखो आपको मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा आर्य समाज के बारे में, सुना क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया है। आर्य समाज मणिक चंद्र वाटिका मुंबई में सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। भारत को धार्मिक और सामाजिक राजनैतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया था आर्य समाज। आपको मैं बता दूं कि आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, याद रखिएगा आप सभी लोग। आर्य समाज एक एक्वेशरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य यही था कि वेदों के अचूक अधिकार के अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देने की बात करता था। धर्मांतरण और रूपांतरण शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था ये आर्य समाज हिंदू धर्म, है ना, याद रखिएगा, ये भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा फिर, ठीक है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन। अगर आपसे कभी इसके बारे में अगर परिभाषा के रूप में जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोग ये बोलें कि आमतौर पर एक ईसाई समूह या चर्च या समुदाय के भीतर नए सिरों से जो धार्मिक उत्साह, लेकिन मुख्य रूप से कुछ में एक आंदोलन प्रोटो स्टेट चर्च अपने सदस्यों के आध्यात्मिक उत्साह को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा हूँ, वो पुनरुत्थानवादी आंदोलन बताता है, वो पुनरुत्थानवादी आंदोलन बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं, विरोधी आंदोलन की बात करें तो यहां आप याद रखिएगा कि विरोधी आंदोलन एक सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन जो कुछ विशिष्ट का विरोध करता हो, जो कुछ विशिष्ट का विरोध करता हो उसे हम लोग विरोधी आंदोलन कहते हैं, ठीक है, जो याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, जो कुछ विशिष्ट का विरोध करता हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही आएगा, उसी कैटेगरी में आएगा किसान आंदोलन। मतलब मैंने एक शब्द बोला ना कि सामाजिक हो, वो सामाजिक था, दूसरी बात राजनीतिक हो, या तो राजनीतिक हो, जो कुछ विशिष्ट का विरोध कर रहा हो, स्पेसिफिक किसी चीज का विरोध कर रहा हो, तो वह आपका विरोध आंदोलन बन जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी बी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे। कथन कहता है कि कुछ व्यवसायिक कार्यों तथा गतिविधियों के निष्पादन हेतु अपेक्षित अनुज्ञापित अनुमोदन और अनुमति को मंजूरी स्वीकृति के नाम से जाना जाता है। किसको? समाज, व्यवसायिक समाज कार्य और गतिविधियों के निष्पादन के लिए। क्या ये बात सत्य है? हाँ सत्य है आपका, ये सही है। और यह वह व्यक्ति जिसे समस्या है व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता में सहायता ले सकता है। क्या वह व्यक्ति जिसे समस्या है वह व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता सहायता ले सकता है, यस या नो? यस, ले सकता है। तो आप कहिए ए भी सही है और आर भी सही है। देखो अब बात है कि व्याख्या का, तो यहां पर अलग अलग, देखो व्याख्या तो नहीं हुए, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट व्यवसायिक कार्य के निष्पादन एक्टिविटी की बात कर रहा है। आप अगर सोचेंगे सही तरीके से समाज कार्य के बारे में तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बनकर आ जाएगा, क्योंकि अनुमोदन जैसी प्रक्रिया बता रही है। दूसरी तरफ व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता से मदद लेने की बात करता है और वो क्लाइंट के बारे में, तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो कैसे व्याख्या हो सकती है? इसलिए बी को आप काट दीजिए, ए तो गलत है ही है, सी आपका बता देगा यहाँ पर गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये सही है और आर भी सही है, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है? व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है, क्या वस्तु के रूप में सेवार्थी? देखो वस्तु के रूप में सेवार्थी थोड़ी ना होता है, यही तो सही है भाई, यह प्रश्न पूछा नहीं है, बताइए आप, नागरिक रूप में सेवार्थी होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा, प्राप्तकर्ता के रूप में सेवार्थी होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा, संसाधन के रूप में सेवार्थी होगा, बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न कह रहा है कि समाज कार्य का व्यवसाय दृष्टिकोण के रूप में नहीं है, तो वस्तु के रूप में थोड़ी होता है कोई चीज, यस या नो? यस सर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नांकित व्यक्तियों सूची 1 को उसके द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन सूची 2 के अकॉर्डिंग आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में आंदोलन है,
आप बताइए जरा मेघा पाटेकर के बारे में, मेघा पाटेकर किससे संबंधित होंगी? क्या ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रहेंगी? नर्मदा बचाओ, बिल्कुल सही। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्या ये चिपको आंदोलन से संबंधित होंगे? अरुंधति रॉय सूचना के अधिकार से संबंधित होंगे? हाँ, जो सूचना का अधिकार, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे एक सिंबल भी आता है इस तरीके के, जहाँ पैसे लिखे होते हैं, भाई 2 रुपए हैं तो 2 रुपए के सामने ऐसे लिखा रहता है, 1 रुपए होता है ये लिखा होता है। ये जो सिंबल है किसके द्वारा दिया गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा ही दिया गया है ये सिंबल भी। अन्ना हजारे की बात करें तो भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलन की बात करते हैं, है ना। अगर हम बात करें सूचना का अधिकार कितने में आया, 2005 में। भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन की बात हुई 2011 में। चिपको आंदोलन की बात करें तो 1973 में शुरुआत हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताइए, बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया? अरे नहीं मालूम, 1985 में। बताइए भाई, सरदार सरोवर परियोजना का नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 से ही तो विरोध हुआ था इसका, क्यों भाई? सरदार सरोवर बांध पे नहीं हुआ था? आप बताते नहीं हैं, आप बताया करो थोड़ा बहुत। बहुत सरल सवाल था, तो यहाँ पे एक बार मुझे बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही चला गया, ऑप्शन कौन सा सही गया? पहला बी, सर। बी कहाँ जाएगा? 4-3 एक पहला जाएगा ना, देखिए ये प्रश्न आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न को बता दूं मैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में और यूजीसी नेट में, दोनों में ये समाजकारी से संबंधित समाजकारी के प्रश्न हैं। जितने भी समाजकारी के प्रश्न मिले तो प्रश्न तो करते ही रहिए आप लोग, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। समाजकारी के प्रश्न पढ़िए, क्या दिक्कत है भाई? ये प्रश्न सब पूछे जाते हैं, है ना, मेडिकल सोशोबक में। समाज सुधार का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, समाज सुधार का आंदोलन क्या हो सकता है उद्देश्य? भाई सामाजिक परिवर्तन लाना हो सकता है, बस। समाज में परिवर्तन लाना, हाँ बस वही। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो बन जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमें ना एक को चुनना पड़ता है, 4 ऑप्शन होते हैं और हमें सही स्टेटमेंट का चुनाव करना होता है। सर ये उपांतीय समूह क्या है? उपांतीय समूह की सहायता करना, देखिए यहाँ पर भी वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना। उपांतीय समूह की सहायता करना यहाँ हालांकि ऑप्शन में है, लेकिन जो उपांत समूह बताया गया है यहाँ, अगर हम बात करें कि उपांतीय समूह वो पिछड़े वर्ग को ही बताता है, हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, स्वयं सहायता समूह, है ना, तो उसमें उपांत वर्ग के लिए ही ये बेसिकली शब्दों को यूज किया जाता है। तो मैं आप सबसे कहूं कि जब आप कभी कोई एक्टिविटी करें सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, तो उसमें उपांति वर्ग जिसमें अर्बन रूलर दोनों आ जाते हैं, दोनों आ गए, उसे उपांति वर्ग को हम सम्मिलित कर देते हैं कि उपांतिक वर्ग है ये, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहां पे ग्रामीण और शहर दोनों शामिल हो जाते हैं, उपांति वर्ग को शामिल हो जाता है वहां पे वो, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, कह रहा है आप लोगों से सूची 1 सूची 2 से मैच करना है। ज्योतिबा फूले का नाम आपको बताना है, क्या कहीं पर लिखा हुआ है सत्य शोधक समाज? यदि लिखा हुआ है तो उसको मैच कर लो। आप लोग मुझे बताइए, मैं बता चुका हूँ सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई है? 1873 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बताइए जरा ठक्कर बाप्पा, ठक्कर बापा किससे संबंधित होंगे? ठक्कर बापा के बारे में अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड होंगे? आदिम जाति से। हाँ, ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने सवाल जवाब बताया मुझे। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, सर्वेंट गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो भी समाज सेवक जो है, समाज सेवा एक संघ था उनका भी, लेकिन जो भारतीय आदिम जाति था, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ थी जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1984 की गई थी ठाकर बापा द्वारा, पूज्य ठाकर जो है ठाकर बापा द्वारा गठित किया गया, और यह राष्ट्रीय और एक स्वैच्छिक संगठन था। ठाकर बापा ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई थी, है ना।
तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा, तो इसका आप इससे मैच कर लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात अगर हम करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? कब हुई है मैंने बताया अभी आपको, 1905 पुणे में। अरे भाई हाँ, बात करें अगर हम लोग हरिजन सेवक संघ, आपको मालूम होना चाहिए ये महात्मा गांधी जी की भूमिका आती है, महात्मा गांधी जी की भूमिका आती है। और इसकी स्थापना कब हुई है बताइए, महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्होंने जो ये स्थापना की गई थी, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। चलिए आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, हरिजन सेवक संघ भी, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को की गई थी, 30 सितंबर 1932 को की गई थी इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँ तो आप लोग ये आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कि जो हरिजन सेवक संघ था, यह पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। पहले क्या नाम रखा गया था? अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। इसका नाम परिवर्तित हुआ 1932 में। कब परिवर्तित हुआ? सॉरी 1933 में। नाम कब परिवर्तित हुआ? 1933 को इसका नाम रख दिया गया हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने वो उद्योगपति थे एक, जिनका नाम था घनश्याम दास बिड़ला, है ना, याद रखिएगा इनके बारे में आप सभी लोग, थोड़ा सा ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। एम के गांधी इनसे मैच कर जाएंगे। अब आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सी चला गया बता दीजिए जल्दी से मुझे, ऑप्शन पहले का चार बी, हाँ चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। कह रहा है कि समाजकार व्यवसाय समाज के उत्पीड़ित और उपांति वर्गों से संबंधित है क्या, समाजकार व्यवसाय, यस या नो? यस सर, यस, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये सही है। दूसरी बात, उपांति में मैंने बता दिया ग्रामीण एंड शहर दोनों शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़ित और उपांति लोगों के सशक्तिकरण के लिए समाज में समाज के समृद्ध वर्गों के संबंध में समस्त सूचनाओं को एकत्रित करना चाहिए। देखो जो सोशल वर्कर होता है ना, वो पीड़ित हो या उपांति वर्ग के लोग हो तो उनके लिए सशक्तिकरण का काम तो करेगा, समाज के समृद्ध वर्गों के संबंध में भी काम करता है और सूचनाएं जो होते हैं, जो डेटा वगैरह होता है उसको भी कलेक्ट करता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये भी सही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर व्याख्या को लेकर, क्या व्याख्या आर वाला ऑप्शन ए को कर रहा है? नो सर। कैसे? हाँ बताइए कैसे नहीं कर रहा है, स्पष्ट करो। क्योंकि सर यहाँ पे डेटा कलेक्शन की बात कर रहा है ना, और वहाँ पे जो है समाज के उत्पीड़ित वर्गों से, मतलब वहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, शायद यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है। चलो आपने सही सोचा, लेकिन आपने सही सोचने के साथ साथ आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है, अब उसी समझिए जहां मिस्टेक किया आपने। मैं बता दूं, पीड़ित वर्ग का भी सशक्तिकरण कर रहा है ना सर ये। हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, अब मेरी बात समझ लीजिए, यहीं पर रुक जाइए आप लोग सभी लोग। समाज कार्य व्यवसाय की बात यहाँ पर हुई है और उसमें कहा गया कि समाज के उत्पीड़ित और उपांति वर्ग से संबंधित है, और बात इतने ही है, परंतु बात है समाज कार्य व्यवसाय को लेकर। अब समाज कार्य व्यवसाय का ही पाठ है सामाजिक कार्यकर्ता, तो समाज कार्यकर्ता क्या किया, समाज कार्य व्यवसाय को व्याख्या कर दिया और उसने ये बता दिया कि भाई उत्पीड़ित और उपांति वर्ग जो ऊपर आप बता रहे हैं, जो संबंधित आप बता रहे हैं, यही संबंध सशक्तिकरण के लिए समृद्धि वर्गों के संबंध में समस्त सूचनाओं को एकत्र करता है, तो समाज कार्य व्यवसाय में तो ये होता ही है, इसलिए आपकी ये व्याख्या है, व्याख्या ना कहें आप यहाँ पे, यहाँ आपका यह व्याख्या मानी जाएगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ ऑप्शन में, देखो कहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं, बी कह रहा है आपका ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये बी वाला आपका सही जाएगा, ये बी आपकी व्याख्या कर रहा है। मैंने कहा था क्योंकि लगा, देखिए जरा एक बार वो भी लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि भी लगा लेते हैं। समाज कार्य व्यवसाय समाज के उत्पीड़ित और उपांति वर्ग से संबंधित है,
तो किसी ने कहा भाई क्यों, तो आपने कहा कि क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़ित और उपांति लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए समाज के समृद्ध वर्गों के संबंध में जो सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए वो बेसिकली समाज कार्य व्यवसाय में सोशल वर्कर करता है। तो ये आपकी बन जाएगी एक प्रकार की व्याख्या यहाँ पर, और ये काम करेगा उत्पीड़ित और उपांति वर्गों के संबंध में, और यहाँ पर ये व्याख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। देखिए इस चीज को आप समझे रहिएगा। आगे बात करें व्हाट इज सोशल केस वर्क के बारे में, ये पुस्तक किसकी है, अच्छा साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि 1900 मैरी रिचमंड की 1922 में। तीन किताबें के नाम मैं बताऊंगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या याद है तो आपको अच्छी बात है। सन 1917 में सोशल डायग्नोसिस आई थी, सन 1899 में 1899 में फ्रेंडली विजिटर करके आई थी एक किताब, द अमंग करके, है ना। तो ये तीन किताबें हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मैरी रिचमंड की, मैरी रिचमंड एक फीमेल है, ठीक है। आगे बात करते हैं सोशल केस वर्क में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। न्यू इन्होंने ही डाला, सन 1869 के दौर पे अगर हम बात करें तो सोशल केस वर्क लाया गया था, ठीक है, इसको इम्प्रूव किया गया था उसी समय से। लेकिन जो अगर हम बात करें यूएसए के बारे में, जहाँ पे एक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ाया गया, एक परोपकार की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ाया गया, वो यूएसए में बढ़ाया गया था कब, और वो बढ़ाया गया था 1877 में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपने ओजानम नाम एक सुना होगा, जहाँ पे व्यक्तिगत सहायता की बात कर दी थी उसने एक प्रकार से। जो सोशल केशवर की बात आई वो एक रिपोर्ट में आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में हमें देखने को ये चीज़ें मिली थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अगर हम लोग बात करें, बेसोन डी पॉल का नाम एक अहम भूमिका आती है सोशल केशवर्क में, केवल मदद को लेकर आती है, और वो भी सोशल केशवर्क की जो मदद शब्द है उसमें देखने को हमें मिलती है, सहायता में। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। समाज कार्य के मूल्यों को अमूर्त एवं साधन स्वरूप के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर्बर्ट बिस्नो का नाम करेक्ट रहेगा। हाँ, हर्बर्ट बिस्नो इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये समाज कार्य दर्शन से प्रश्न पूछ लिया है। समाज कार्य दर्शन को तीन भागों में डिवाइड करने वाले विद्वान बने हर्बर्ट बिस्नो ने, जिनमें से एक बनता है मूल्यों को अमूर्त एवं साधक के रूप में वर्गीकृत, एक बनता है। तो समाज कार्य के दर्शन का प्रश्न, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे हम सभी लोग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षा, शिक्षा ने आधुनिक संवेदनशीलता उत्पन्न होती है और आत्मविश्वास विकसित होता है, क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग? जी सर, जी सर, करेक्ट रहेगा इसका। बिल्कुल, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ ऑप्शन आपका जो जा रहा है ये सही की तरफ जा रहा है कि शिक्षा से अधिक संवेदनशील उत्पन्न होती है और आत्मविश्वास विकसित होता है। ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे। बात करते हैं कारण में, शिक्षित महिलाएं समाज से सामान्यतः अधिक सम्मान मांगेंगी, क्या यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप कि शिक्षित महिलाएं समाज से सामान्यतः अधिक सम्मान मांगेंगी? मांगने का मतलब थोड़ी है, अच्छा आपने यहाँ पे गलत कर लिया। देखिए अगर हाँ बताइए सर, कुछ बता रहे थे आप शायद। सर सामान्यता मतलब क्या होता है सर? अच्छा जनरली, यहाँ पे बात है कि शिक्षित महिलाएं जो होती हैं समाज से, अब जानते हैं समाज में जो है असमानताएं बहुत फैली हुई हैं महिलाओं को लेकर, और अगर शिक्षित महिला कोई है तो जनरली अपना अधिकार मांगने का कोशिश करेगी, अपना सम्मान मांगेगी वो, तो गलत कैसे ये हो सकता है बताइए जरा। सही होगा सर, ये अधिक नहीं लग रहा है, अधिक मांगेगी, अधिक मांगेगी, अधिक सम्मान मांगेगी, मांगेगी लेकिन नहीं। अरे भाई फिर अगर आप अधिक अधिक पर अगर आप बल देंगे तो फिर वो भेदभाव वाला शब्द आपके अंदर, असमानता वाला शब्द आ रहा है। आप कह रहे हैं कि अधिक नहीं मांगेगी, अरे भाई अधिक मांगना, आप अपना अधिक मांगिए, आप अपना अधिक मांगिए, वो अपना अधिक मांगेगी। यहाँ अधिक से ये ना सोचें कि आपको दबाया जाएगा और महिलाओं को उठाया जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे अधिक शब्द का अर्थ। अधिक सम्मान मांगेगी तो वो अपना जो उसके परिपेक्ष में या उसके दृष्टिकोण में जो चीजें हैं वो तो मांगेगी मांगेगी, अधिक कोई वहां पे ये प्रेशर नहीं डाल रहा है, ऐसा शब्द नहीं है। हाँ अगर आप इंग्लिश पढ़ते इस समय तो मैं आपको सर्वनाम पढ़ाता तो वहां पे बताता कि जहाँ पे जो सर्वनाम के अंतर्गत एक निज वाचक सर्वनाम होता है, जहाँ पे ऐसे शब्दों को हम प्रेशर डाल के बताते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे हमने एक
प्रश्न हमारे सामने अप्लाइड टाइप का प्रश्न है, तो आप अधिक पर बल ना दें, यहाँ पे अधिक आपका करेक्ट रहेगा। शिक्षित महिलाएं समाज से सामान्यतः अधिक सम्मान मांगेंगी, और ये बात सही है, शिक्षित महिलाएं अगर होंगी तो, है ना, और होना भी चाहिए ऐसा, इसमें कोई वो गलत चीज़ें नहीं लिखी गई है। और अगर आप इस तरीके से किसी के सामने बोलेंगे कि अधिक सम्मान मांगोगी आप, जितना उतना मांगो, तो भाई ऐसे लगता है कि इसमें जैसे असमानता जैसे शब्द आ रहा है, जैसे आप उनसे घृणा करते हैं, आपका जितना है उतना ही मांगिए, उतना ही लीजिए, है ना भाई, जितना जो तुम्हारा जो सम्मान है, जो चीज़ है, वो आप सब सब देंगे, है ना, समानता का है, सभी सम्मान करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए भी सत्य है, आर भी सत्य है। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर व्याख्या है या नहीं, व्याख्या है। देखिए, शिक्षा के शिक्षा से अधिक संवेदनशील उत्पन्नता होती भी है, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके साथ कुछ गलत होगा तो जाहिर सी बात है उस पर एक्शन लेगा वो, इसलिए व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न में कोई मतभेद तो नहीं है आप लोगों के मन में? नहीं नहीं, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के दमित और उपांतिक वर्गों के सशक्तिकरण और उनमें क्षमता निर्माण की भूमिका निभाते हैं। जो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग हैं, तो आप बताइए जरा मुझे कि समाज के जो दमित और उपांति वर्ग के जो सशक्तिकरण और उनमें क्षमता निर्माण की जो भूमिका निभाते हैं, क्या यह स्टेटमेंट प्रोफेशनल सोशल वर्कर की पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत? सही है सर। सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो समाज के दमित और उपांति वर्गों के सशक्तिकरण और उसकी क्षमता निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, और ये बात 110% सत्य है, है ना, उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ता है। बात करते हैं कारण पर, तो कहता है कि समाज के इन वर्गों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कौशल और संवेदनशीलता व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं में होती है। क्या ये बात भी सही है? सही है, बिल्कुल सत्य है, कि भाई यहाँ पे बात कही गई कि समाज के उन वर्ग की बात कर रहा है जहाँ पे समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कौशल और संवेदनशीलता जैसे व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं में होती है। तो एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होने के नाते आपके पास सारी जानकारी है, काम करने का तरीका आपको मालूम है, एक सही ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से आप काम को करते हैं, आप टेक्निक लगाते हैं, आप कौशल को लगाते हैं, निपुणताएं लगाते हैं, प्रिंसिपल्स लगाते हैं, थेरेपी लगाते हैं, टेक्निक लगाते हैं, टूल्स यूज करते हैं, संसाधन यूज करते हैं, तो इस वजह से आपका आर भी सही होगा। तो आप जरा मुझे बताइए कि व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। जब आप ये सब लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि दमित और उपांति वर्ग के सशक्तिकरण और उनकी क्षमता की भूमिका ऑटोमेटिक बन जाएगी और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, उनको जो है रिहेबिलिटेशन कर दिया जाएगा, पुनर्वास कर दिया जाएगा उनको। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल ले लीजिए, ये इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था? ए एस देसाई और बी एस देसाई, मुरली देसाई या एस के खिदू का नाम है? इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, SB देसाई, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस की जो किताब है SB देसाई की है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी एक पब्लिकेशन किया गया था, अभी हाल ही में पब्लिकेशन हुआ है इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस को लेकर, हम बात करें 2012 का, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2012 का, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें थी आज के लिए, बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जो है, हम कल इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, कल नहीं, नेक्स्ट संडे को समय मिलता रहेगा तो मैं 10-10 प्रश्नों का जो है सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा था कि DSSB का, मैं भी उसको भी DSSB का भी और उत्तराखंड का और MPPSC का भी, ठीक है, और भी कुछ मेडिकल सोशल वर्क पेपर हुए हैं, जो जो पेपर मिले हैं पिछले टाइम में, मैंने उनको सॉल्व करवाया, उसको ढूंढ कर मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग उसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और जो अभी अभी जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कल, है ना, 8 बजे क्लास होगी कल शाम को, और वहाँ पर हम टेक्निक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सोशल वर्क की टेक्निक कौन कौन सी है, और फिर उसके बाद हम लोग उसी यूनिट के संबंध में केस वर्क के रूप में अगर हम बात करें, ग्रुप वर्क के रूप में, टेक्निक के रूप में, समाज कार्य अवधारणा के रूप में, कुछ फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। और निश्चिंत रहिएगा आप सभी लोग, अभी 28 डेज है आप लोगों का, तो मैं उसको कवर कर दूंगा,
ठीक है, पूरा कवर कर दूंगा, निश्चिंत रहेंगे आप सभी लोग। लेकिन क्लास बराबर आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ठीक है, यही काम आप लोगों को करना है, क्लासेस आपको बराबर लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।